Hey guys, I am Preeti and welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ 3 आईब्रो जेल्स जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है. तो अगर आप आईब्रो जेल ढूंढ रहे हैं तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे और बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहेंगे. बिकॉज गाइज, जब आप सुबह सुबह तैयार हो रहे होते हैं और अगर आप स्पेशली डेली कॉलेज या तो ऑफिस जाते हैं तो आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी आईब्रोज को बहुत ज्यादा पोमेड वगैरह से फिल करते बैठे और या तो बहुत अच्छे से ट्रेस करें. तो मुझे लगता है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हैंडी क्या रहते हैं, आईब्रो जेल्स या फिर आईब्रो फिलिंग पाउडर्स. कुछ लोगों को हो सकता है पेंसिल बहुत ज्यादा हैंडी लगती हो, बट मुझे पाउडर्स बहुत ज्यादा हैंडी लगते हैं. तो आज तो मैं आप लोग के साथ 3 आईब्रो जेल शेयर कर रही हूँ, पाउडर और पेंसिल्स किसी अलग वीडियो में शेयर करूंगी. तो जो मैं 3 आईब्रो जेल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये. अब मैं आपको वन बाय वन एक एक के बारे में बताती जाती हूँ. तो फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है इसेंस मेक मी ब्राउ आईब्रो जेल मस्कारा विद फिलिंग फाइबर्स. गाइस, ये मेरे को मिला था 250 रुपीज का. मुझे नहीं पता आप इसे कैसे लोगे, बिकॉज ये नायका और अमेजोन पे मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, बट मैंने भी इसे नायका से ही लिया है. ऑल दो मेरे घर के पास एक शॉप है, वहां भी मिल जाता है. तो आप इसे किसी ऑफलाइन शॉप में भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नायका पे चेक करते रहे. इसमें मैंने थर्ड टाइम परचेज किया है और ये बहुत ही अच्छा आईब्रो जेल है. ये टिंटेड आईब्रो जेल है और इसमें फाइबर्स भी हैं. इसका मतलब आपको ये जब आप लगा रहे हैं सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं तो आपको पाउडर से फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इसका जो वॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा नहीं है, मीडियम साइज़ का वॉन्ड है और आईब्रोज के लिए बहुत ही परफेक्ट वॉन्ड है ये. मेरे पास जो शेड है वो है 02 ब्राउनी ब्राउज और ये मेरे जो आईब्रोज हैं उनके साथ ये कलर जो है परफेक्टली मैच होता है. तो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन और बालों का कलर मेरे जैसा है तो आप यही शेड ऑप्ट करें. और इसको लगाने से पहले मैं तो बहुत बार पाउडर भी यूज़ करती हूँ, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं सिर्फ इसी से अपनी ब्राउज फिल कर लेती हूँ. मेरे जो आईब्रो के हेयर हैं थोड़े से बड़े रहते हैं तो ये जो है उनको अच्छे से सेट भी कर देता है, प्लस थोड़ा सा कलर भी दे देता है जिससे कि, और इसमें फाइबर है वो फिल भी कर देता है. तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा ब्राउ जेल है, लेकिन इसकी लिमिटेशन यही है कि बहुत इजीली अवेलेबल नहीं रहता है. नायका पे मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही मिलता है. तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जब भी इन स्टॉक आएगा तो आप इसे एकदम ले ले, बिकॉज ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. अगर आपकी जो आईब्रोज हैं स्पार्स हैं तो ये उन्हें फिल भी कर देगा और अच्छा खासा पिगमेंट भी ऐड कर देगा. क्वांटिटी इसकी है 3.8 ml और ये मुझे मिला था 250 रुपीज का. तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट मैंने देखा अच्छे खासे लंबे टाइम चल जाता है मेरा. तो ऑल्दो मेरे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ, मैं डेली इसी को नहीं लगाती हूँ. सेकंड जेल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एले कलर्स का ब्राउवी वॉवी टिंटेड ब्राउ जेल. ये मेरे पास है इन द शेड टोप. ये मुझे पड़ा था 395 रुपीज का. ये भी मैंने नायका से ही लिया था. लिंक जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं. गाइज, ये भी मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा जेल है, अच्छा टिंटेड आईब्रो जेल है और इसका जो वॉन्ड है कुछ इस तरीके का है. इसका वॉन्ड जो है इसेंस के ब्राउ जेल से थोड़ा सा थिक है. ये मुझे इसका कॉन लगता है, इसका जो वॉन्ड है थोड़ा सा और थिन होता तो बेटर रहता. तो मैं ज़्यादा करके इसकी टिप यूज़ करती हूँ. तो इसमें फाइबर्स तो नहीं है, इसमें पिगमेंट है, प्लस इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट है कि जैसे इसेंस वाला है वो मेरे ब्राउ के हेयर्स को सेट कर देता है लेकिन उन्हें क्रंची नहीं बनाता है. तो ये थोड़ा सा क्रंची बना देता है, जैसे ऐसे लगता है आपने थोड़ा सा हेयर स्प्रे टाइप कुछ इफेक्ट होता है ना, बालों को एकदम से सेट कर देता है, बट थोड़ा सा क्रंच ऐड करता है. पिगमेंटेशन इसका बहुत अच्छा खासा है और स्वेट प्रूफ भी है ये. अगर किसी को बहुत ज्यादा आईब्रोज में क्रंची लुक ना पसंद हो तो वो इसे अवॉइड कर सकते हैं. मतलब इतना ज्यादा भी क्रंची नहीं बना देगा कि आपके बाल बहुत ज्यादा, आईब्रो के हेयर बहुत ज्यादा पिन पॉइंटेड और एकदम से खड़े वैसे लगेंगे, ऐसा नहीं बना देता, बट लिटिल बिट क्रंची है, मुझे लगाने से पता चल जाता है. बट ये मेरे बाल क्योंकि थोड़े बड़े हैं तो वो अच्छे से सेट कर देता है, जो कि मेरे लिए प्लस पॉइंट है. मुझे थोड़ी आदत भी है अपने फेस पे थोड़े हाथ वाथ लगाने की, बाल आ जाते हैं उन्हें हटाने की, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है. पिगमेंटेशन अच्छा खासा है, तो अगर आपके स्पार्स हेयर हैं तो अच्छा खासा वहाँ पे कलर ऐड कर देता है. मुझे लगता है ये जो टोप कलर है बहुत सारे स्किन टोन्स पे सूट करेगा, इवन डार्कर स्किन टोन्स पे भी. और इसके अंदर फाइबर नहीं है जैसे उसमें थे. तो कहीं भी अगर आप ऐसे वॉन को एकदम से आप ऐसे लगा के ना
पॉइंट जैसा अगर आप लगा देंगे तो वहां पे उतना पिगमेंट छोड़ देगा, जिससे आपको एकदम से ही आपको ब्रश करना रहेगा इसी के वॉन्ड से. तो मतलब आप मेरा पॉइंट समझ गए ना कि इसमें वो फाइबर्स नहीं है, इसमें पिगमेंट है. तो आप एक लगाते वक्त इसे रुक ना जाएं, जल्दी जल्दी आप इसे लगा देंगे तो वो कलर एक जगह पे नहीं इकट्ठा होगा. तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी अच्छा है और सस्ता भी है. ये इतना ज़्यादा इसेंस की तरह ये नहीं कि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, ऐसा नहीं है. ये आपको ईजिली मिल जाता है नायका पे, तो ये भी एक सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है. थर्ड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये है निक्स का टिंटेड ब्राउ मस्कारा इन द शेड TBM03 ब्रूनेट. इसका वॉन्ड इस तरीके का है और ये है इन द शेड ब्रूनेट, जो मेरे आईब्रो हेयर्स को बहुत अच्छे से सूट करता है. ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड ब्राउ जेल है और ये आपकी आईब्रोज को बहुत अच्छे से शेप करता है, डिफाइन करता है, पिगमेंट भी एड करता है और आपके आईब्रो के हेयर को बहुत अच्छे से सेट भी कर देता है. तो जिनका भी प्रॉब्लम होता है ना आईब्रोज के हेयर स्पेशली यहाँ वाले इधर उधर हो जाते हैं, तो वो लोग आईब्रो जेल जरूर ट्राई करें. साथ ही बहुत ज्यादा क्विक होते हैं. ये जो निक्स का आईब्रो जेल है ये 600 रुपीज का आता है 6.5 ml, बट मैंने इसे डिस्काउंट पे ही लिया है. आप चेक करते रहिए, आपको निक्स के प्रोडक्ट्स पे अच्छी खासी डील्स मिल जाती हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो भी निक्स का खरीदती हूँ सेल पे ही खरीदती हूँ. और ये मेरे स्किन टोन और जो मेरा हेयर का टोन है उस हिसाब से जो ब्रूनेट शेड है मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से सूट करता है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है. सो गाइज, ये थे मेरे रिकमेंडेशन अच्छे आईब्रो जेल्स की जो इंडिया में अवेलेबल है और अफोर्डेबल भी है. सबसे बड़ी बात, बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है. आई होप ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगेगा, हेल्पफुल लगेगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करना. आई विल सी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टाइलिश. बाय बाय.